मैं हूं आपका आम आदमी और मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पहला सच्चाई ये है कि कार्तिक आर्यन स्टारर धमाका, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, एक 2013 की कोरियन मूवी द टेरर लाइफ की स्टोरी पे बेस्ड है। दूसरा सच्चाई ये भी है कि धमाका सिर्फ 10 दिनों में शूट किया गया था, जो शायद खुद में ही एक रिकॉर्ड है बॉलीवुड में। अब कार्तिक आर्यन को मैं जब से इस मूवी के ट्रेलर में देखा था, तब से आई स्टार्टेड टेकिंग हिम सीरियसली। ये रोल उनपे जच रहा था, पूरा गेटअप उनपे सूट कर रहा था। और ये भी देख के अच्छा लगा कि कार्तिक आर्यन अपने यूजुअल रोम कॉम मूवी से हटकर कुछ नया बना रहे हैं। इन शॉर्ट, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मूवी कार्तिक आर्यन के करियर को डिफाइन कर सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ, चलिए इस रिव्यू में आगे डिस्कस करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। स्टोरी तो आपको ट्रेलर से पता ही होगा कि अर्जुन पाठक यानी कार्तिक आर्यन एक न्यूज एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनको एक ऐसा इंसान का फोन आता है जो मुंबई के सीलिंग को उड़ाने का धमकी देता है। और सिर्फ धमकी ही नहीं देता, इनफैक्ट उड़ा भी देता है, जो ट्रेलर में क्लियर था। अब ये इंसान कौन है, इसका अर्जुन पाठक से क्या कनेक्शन है और ये ऐसा कर ही क्यों रहा है, इसी सब पे रिवॉल्व करता है ये मूवी, जिसको आपको देखना चाहिए कि नहीं, चलिए आगे रिव्यू में डिस्कस करते हैं। अब गाइज, आज के डेट में मीडिया क्या है, एक सर्कस, और इस सर्कस को धमाका में ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया गया है। सबसे पहले तो मैं इस मूवी के डायलॉग्स का तारीफ करूंगा, जो एक हार्श रियलिटी है और शायद न्यूज एंकर्स को उतना पसंद भी ना आए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कुछ दिनों में न्यूज चैनल्स हैशटैग बॉयकॉट धमाका ना चालू कर दे। इट्स क्वाइट पॉसिबल एक्चुअली। मूवी का एक एक डायलॉग इम्पैक्टफुल है, जो आज के मीडिया सर्कस को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनली मेरा फेवरेट डायलॉग था जब अर्जुन पाठक की बॉस उससे पूछती है कि एंकर कौन है, तो दोनों एक दूसरे का लाइन खत्म करते करते बोलते हैं कि एंकर एक्टर होता है और एक्टर को ऑडियंस चाहिए, ऑडियंस को ड्रामा चाहिए, तो हम ड्रामा कैसे रोक सकते हैं। तो बेसिकली इस डायलॉग से मीडिया आखिर हुआ क्या, एक सर्कस जो पब्लिक के सामने ड्रामा कर रहा है। और इस मूवी के डायलॉग्स कुछ नहीं, बस आज के मीडिया पे एक जोरदार तमाचा है। डायरेक्टर राम मधवनी, जो निर्जय जैसी मूवी के डायरेक्टर हैं, इस मूवी में भी अपने ब्रिलियंट डायरेक्शन से आपको इम्प्रेस कर देंगे। राम मधवनी को अच्छी तरह पता है कि ऑडियंस के अंदर एक टेंशन कैसे क्रिएट करना है, उनको कब और कैसे झटका देना है, और ये सब वो बहुत ही बखूबी से करते हैं। ऑडियंस के अंदर एक टेंशन और पैनिक भी आता है और साथ साथ आगे क्या होने वाला है उसका भी एंटिसिपेशन कंटिन्यूसली रहता है। रहा बात स्क्रीन प्ले का, तो मूवी का स्क्रीन प्ले जो अराउंड 1 घंटा 40 मिनट का है, इज द रियल हीरो आफ्टर कार्तिक आर्यन। अपने प्लॉट के हिसाब से ये रन टाइम इस मूवी के लिए परफेक्ट था। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि मूवी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है पॉइंट पे आने के लिए। मूवी में अराउंड 5 मिनट के बाद ही, कुछ फ्लैशबैक्स के बाद, ये मूवी सीधा पॉइंट पे आता है, जो ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, और इसलिए मैं ज्यादा इंप्रेस हुआ इस मूवी से। स्क्रीन प्ले टाइट एंड एंगेजिंग है, एक्सेप्ट द क्लाइमैक्स, जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। ऐसा लगा कि मूवी कंप्लीट होने के बाद भी इनकम्प्लीट सा लगता है। समथिंग वॉज डेफिनेटली मिसिंग, बट शायद डायरेक्टर ऐसा पर्पसली किए ताकि ऑडियंस के अंदर ये वॉइड वाला फीलिंग रहे। अब रहा बात परफॉर्मेंस का, तो धमाका इज अ वन मैन शो, जहां कार्तिक आर्यन वॉज हाईली इम्प्रेसिव। ट्रेलर से ही वो काफी इम्प्रेसिव दिख रहे थे और मूवी में भी वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किए। वो अर्जुन पाठक का रोल इतना कन्विंसिंगली प्ले किए कि आप अराउंड 1.5 घंटे के लिए वो स्वीट रोमांटिक कार्तिक आर्यन को कम्प्लीटली भूल जाएंगे और इस नए कार्तिक 2.0 को अडॉप्ट कर लेंगे। बाकी एक्टर्स भी बस एक सपोर्ट के लिए थे और वो सब भी जस्टिस दी अपने कैरेक्टर को। लीड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हार्डली स्क्रीन पे दिखी, इनफैक्ट उनसे ज्यादा अमृता सुभाष का रोल था, जो कार्तिक की बॉस का रोल प्ले कर रही है, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे। वो एक टिपिकल न्यूज चैनल के बॉस की तरह साउंड की है मूवी में, जहां वो भी पहले न्यूज चैनल फिर जर्नलिज्म वाले फंडा में बिलीव करती है। वहीं मूवी का सिनेमेटोग्राफी भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा, जो आपको एक बिहाइंड द सीन वाला फीलिंग देता है। एक व्लॉग टाइप का आपको फीलिंग आएगा इस मूवी को देखकर, जो इस मूवी को और भी ऑथेंटिक बना देता है। मूवी में कलर्स के मामले में ब्लू पैलेट्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा लगा, जो मूवी को एक सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। ये मूवी कम्प्लीटली एक स्टूडियो में शूट किया गया है, तो बेसिकली कोई दूसरा लोकेशन है ही नहीं, और ऐसे में ऑडियंस को एंगेज करके रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट। एंड हैट्स ऑफ टू राम माधवनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए। अब रहा बात नेगेटिव्स का, तो जैसा कि मैंने कहा कि मूवी का क्लाइमैक्स मुझे इनकम्प्लीट सा लगा, और साथ साथ न्यूज रूम में भी कुछ कुछ सीन्स ऐसा था जो टू गुड टू बी ट्रू लगा मुझे देखकर। तो गाइस, ओवरऑल धमाका एक डेफिनेटली वन टाइम वॉच है, जो आपको एज ऑफ द सीट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो नहीं, बट एक नॉर्मल थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जरूर देगा। कार्तिक आर्यन 2.0 और मूवी का स्क्रीन प्ले इस मूवी का जान है, जो मूवी के लूप होल्स को इग्नोर करने में मजबूर कर देता है। तो गाइस, इसलिए मैं इस मूवी को दूंगा 3 out of 5। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसा लगा और क्या आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।